आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने पांव टिकाने की कोशिश में जुटी है। पिछले दिनों पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पार्टी के चुनावी अभियान को तेजी दी है। अकबरपुर पहुंचे जहां आम आदमी पार्टी की विधानसभा प्रत्याशी मूलचंद जायसवाल और कार्यकर्ताओं ने बेहद गर्मजोशी के साथ संजय सिंह का स्वागत किया। इस मौके पर संजय सिंह ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पार्टी को मजबूत करने के लिए टिप्स दिए। जलालपुर जनसभा को संबोधित करने जा रहे राज्यसभा सांसद व उत्तर प्रदेश प्रभारी को काले झंडे दिखाकर स्याही फेंकने का प्रयास किया गया। बताते चले कि सोमवार को जलालपुर नगर के रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह का जनसभा होना था, जिसके लिए आ ही रहे थे कि नगर के पोस्ट ऑफिस के सामने भाजपा जिला युवा मंत्री नीरज अग्रहरी के नेतृत्व में दर्जनों लोगों ने नारेबाजी करते हुए काले झंडे दिखाए। इसके बाद स्याही भी फेंकी गई। गनीमत रही कि स्याही उनके कपड़े पर नहीं पड़ी, जिस पर अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए सांसद ने कहा कि अगर इन लोगों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई तो उसका विरोध हम अवश्य करेंगे और जितना ही विरोध भाजपा के द्वारा हमारा किया जाएगा उतना ही हम आगे बढ़कर कार्य करेंगे। इनके विरोध से हम किसी भी कीमत पर डरने वाले नहीं है। पेट्रोल डीजल 100 पार कर चुका है, सैकड़ा मार चुका है। दाल का दाम हो, तेल का दाम हो, सब्जी का दाम हो, आसमान पर पहुंच रहा है। तो इसलिए महंगाई ने हिंदुस्तान की जनता की कमर तोड़ दी है। खोखले वादों और नारों से कुछ नहीं होगा, इसके लिए कुछ ठोस और सार्थक कदम उठाने होंगे। लेकिन दुर्भाग्य से केंद्र में जो सरकार चल रही है मोदी जी की, वो इस देश को बेचने वाली सरकार चल रही है। हिंदुस्तान की संपत्तियां बढ़ाने वाले सपूत कहलाते हैं, हिंदुस्तान की संपत्तियां बेचने वाले कपूत कहलाते हैं। 6 लाख करोड़ की भारत की संपत्ति बेचने की योजना है, जिसका आम आदमी पार्टी विरोध करती है। रेल बेच रहे हैं। ऑडियो जंगल।